हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम द चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 है और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 38 को, जिसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। सबसे पहली बात, कार्बोकेटायन क्या होता है? तो देखो, नाम से ही समझ लो, कार्बोकेटायन, कार्बो से आपको कार्बन की फीलिंग आ रही है, और केटायन यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी कार्बन पे, चाहे टर्मिनल चाहे मिडिल, किसी भी कार्बन पे, तो आप उसको कहते हो कार्बोकेटायन। अब जैसे कि मैंने कहा कि कार्बन के ऊपर ये जो प्लस चार्ज आ रहा है वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है विद इन द मॉलिक्यूल, तो उसी के बेसिस पे हम तीन तरह के कार्बोकेटायन्स को पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, उसकी ही स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं मान लो आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दिखा देती हूँ, कोई भी हम एक रैंडम कंपाउंड को चूज कर लेते हैं, लेट्स से कि ये मेरे पास में एक कंपाउंड है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो कितने चार कार्बन है, तो हो सकता है कि जो कार्बोकेटायन है वो इस पोजिशन पे हो। लेट्स से कि अब इसी का ही एक मैं आइसोमर बना देती हूँ, जिसके अंदर ये हो गया प्लस चार्ज जब टर्मिनल पोजिशन पे हो। ये भी हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पोजिशन पे हो, यानी कि सेकेंड पोजिशन पे। इसी तरह से अगर मैं इसका आइसोमर बना लेती हूँ कुछ इस तरह से, तो अब हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तीन तरह के मैंने आपको कार्बोकेटायन की पोजीशंस बताई है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पोजीशन है कार्बोकेटायन की, जिसमें कि जिस पोजीशन पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हो एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन तो ये तीनों ही है क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पर ये जो पहला वाला है इसको आप कहोगे प्राइमरी कार्बोकेटायन, और इसको, ये जो सेकेंड है इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वहां पे आपको दो दो एल्काइल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, जबकि पहले वाले केस में सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप था, राइट? तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और तीसरा केस है टर्शरी कार्बोकेटायन का, जिसके अंदर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके बाद वो तीन अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटायन हम कहते किस हिसाब से हैं। अब बात आती है इनकी स्टेबिलिटी की, तो हम कैसे पता करें कि कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल है? तो इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो कार्बोकेटायन्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स यानी कि ये वो जगह हैं कार्बन की जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। सीधी सी बात है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स कम है, राइट? तो जिनके पास में भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या चाहेगा कि उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। अगर ऐसे में इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप आपके साथ प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है ना, जिसको कि हम R से शो करते हैं, इसका होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब हो गया इनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, राइट? तो इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये क्या करते हैं, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, राइट? तो अब जितने ज्यादा, आप समझ में आ गया होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे किसी कार्बोकेटायन के अराउंड, डायरेक्टली होने चाहिए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कार्बोकेटायन के अराउंड प्रेजेंट होंगे, उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। सही बात है? अब देख लो, अब यहाँ पे कंपेयर कर लो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, तो हम क्योंकि देख सकते हैं कि प्राइमरी के अंदर सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोकेटायन के एडजेसेंट पोजीशन पे, तो जो प्राइमरी होता है ना इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, जबकि सेकेंडरी के केस में यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप है, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप है, राइट? तो इस वजह से दो दो एल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठे हैं, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज्यादा हो गई। और टर्शरी के केस में तीन तीन एल्काइल ग्रुप्स होने की वजह से कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए तीन तीन एल्काइल ग्रुप्स हैं, यानी कि टर्शरी की स्टेबिलिटी और भी ज्यादा हो गई, राइट? तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कार्बोकेटायन्स के केस में, और ना सिर्फ कार्बोकेटायन, एग्जैक्टली ये की यही चीज आप फ्री रेडिकल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो फ्री रेडिकल के लिए और कार्बोकेटायन के लिए, दोनों के लिए यही वाला आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन सभी मॉलिक्यूल्स में से आपको क्या लगता है कि किस केस में जो कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इन सबके आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो और ये पता कर लो कि कौन प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शरी है। तो जैसे कि अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड को ड्रॉ करूं, तो ये मेरे को कुछ ऐसा नजर आ रहा है, तीन तीन यहाँ एल्काइल ग्रुप्स हैं, बट जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर तो सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट? तो ये टर्शरी नहीं है, ये प्राइमरी ही है। ठीक है, ये समझने की बात है।
बी वाले पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्टली उसके ऊपर तीन तीन एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये आपका टर्शरी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साथ का साथ लिखते जाती हूँ, ये हो गया आपका टर्शरी कार्बोकेटायन, जबकि पहले वाला केस प्राइमरी का था। अब इसी तरह से अगर इस वाले कंपाउंड की बात करें जो कि सी में दे रखा है, तो इसमें कार्बोकेटायन जो है अगेन वो एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डी सेक्शन की बात करें, तो जिस कार्बन के ऊपर कार्बोकेटायन है उसकी एक तरफ भी एल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ भी एल्काइल ग्रुप है, तो हम इसको कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं, चार कार्बन की चेन है, राइट? तो सेकेंड पोजिशन पे आपका कार्बोकेटायन है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप एक तरफ इथाइल ग्रुप, तो ये क्या हो गया एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन, जबकि ये क्या था एक प्राइमरी। तो अब जो भी आपका टर्शरी कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, अब हम समझ चुके हैं। सो द आंसर वुड बी बी। बाकी अगर आपको ऑर्डर ही बताना हो तो आप ऑर्डर कैसे बताओगे? टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी की स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 38, एंड आई गेस कि आप लोगों का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 39 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।